हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। तो आपकी एज 18 से लेकर 25 ईयर के बीच में है, तो आपने शिलाजीत के बारे में जरूर ही सुना होगा या फिर इसके बारे में जानने की आपने जरूर कोशिश की होगी। क्या होती है शिलाजीत, शिलाजीत को किस एज में यूज करना चाहिए, शिलाजीत के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, शिलाजीत किन टाइप्स के लोगों को यूज करनी चाहिए, तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गजेंद्र राव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत एक नेचुरल तरीके से पाया जाने वाला पदार्थ होता है, एंड आयुर्वेद में शिलाजीत को एक रासायनिक शक्तिवर्धक भी बोला जाता है। एंड हम शिलाजीत के स्मेल की बात करें तो वो बिल्कुल ही गौमूत्र होता है, उसकी तरह उसमें से स्मेल आती है। एंड शिलाजीत के यूज करने की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही शिलाजीत को यूज भी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब हम शिलाजीत के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो शिलाजीत का बेनिफिट मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट में पाया जाता है। मोस्टली बेनिफिट की बात करें तो मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम में शिलाजीत का काफी यूजेस देखा जाता है। मेल्स में सेक्स पावर को डेवलप करने के लिए शिलाजीत का यूज किया जाता है, और जैसे बॉडी बिल्डिंग गेम्स में या स्पोर्ट्स पर्सन भी शिलाजीत का यूज करते हैं। एंड मेल्स अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए भी शिलाजीत का यूज करते हैं। एंड मेल्स में देखा जाता है जिन लोगों को लॉस ऑफ लिपिडो की प्रॉब्लम्स होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम होती है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं आता है, उन लोगों को शिलाजीत यूज करते हैं। एंड काफी टाइप की जो सेक्सुअल मेडिसिन होती है उनमें भी शिलाजीत का यूज किया जाता है। एंड फीमेल्स में शिलाजीत के बेनिफिट की बात करें तो ऐसी फीमेल्स जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम्स है, जिनको खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स है, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उस केसेस में भी शिलाजीत का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी बेनिफिट की बात हो गई है तो हम अभी इसके शिलाजीत के नुकसान की बात करें। तो वैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट होता है, इसका वैसे तो किसी टाइप का नुकसान नहीं देखा जाता है, बट काफी केसेस में देखा जाता है कि शिलाजीत की किसी को नॉलेज नहीं होती है तो मार्केट से वो फेक शिलाजीत या फेक प्रोडक्ट ऐसा लेकर यूज करते हैं, तो उन कंडीशंस में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एंड इस टाइप्स के पेशेंट्स में भी नुकसान काफी देखने को मिलता है, जो पेशेंट शिलाजीत का ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि शिलाजीत में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। एंड वैसे शिलाजीत का किसी टाइप्स का नुकसान नहीं देखा जाता है, ना किसी टाइप्स का साइड इफेक्ट देखा जाता है। आप किसी की गाइडेंस में या लिमिटेड मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।